नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रेम कुमार, बहुत डायरेक्टर एंड रुचि हरियाणा। साथियों, जैसे हर प्रकार की खबरें आप तक हम पहुंचाते हैं, आज हम पहुंचे हैं गांव जीवड़ा में और यहां से जो भावी सरपंच पद के उम्मीदवार है वो है भाई नरेश सैन जी। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि अच्छी उनकी दुकान चल रही है यहाँ पर, उनका हेयर सैलून है पालावास चौक पर, तो राजनीति में वो किस कारण आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई गांव में या तो वो विकास नहीं हुआ है जो इनके दिल में कोई टीस है और ये उसे कराना चाहते हैं। तो आज हम भाई नरेश से जानेंगे उनकी कहानी, उन्हीं की जरूरत। नरेश भाई नमस्कार। नरेश जी, सबसे पहले तो बीपी न्यूज चैनल की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप प्रथम बार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और पूरी सेंट्रल कमेटी की तरफ से आपको मुबारकबाद भी देते हैं, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। तो सर, ये अभी सुना है हमने गांव में जैसे चर्चा है कि नरेश जी सरपंच की इलेक्शन फाइट करना चाहते हैं, तो सर क्या उद्देश्य, क्या एजेंडा लेके चल रहे हैं? कुछ नहीं, जैसे तो क्या जी, जैसे ये कह रहे हैं कि आपके भाई छोटी बिरादरी में नई बिरादरी आई नहीं है जी, तो उसकी वजह से आपके भाई नई बिरादरी में जानी है जी, इसकी वजह से जी मैं मन कर रहा है कि जैसे अपने जो भाई बंद है जी वे सब कह रहे हैं भाई आपके नरेश कुमार को बनाओ, अपनी छोटी बिरादरी में नई में नहीं आएगी जी, तो इसके लिए जी अभी तो देखो है मन में, अगर भाइयों को गाँव को कार होगा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ जी। तो नरेश भाई, इसमें आप मान लीजिए कोई भगवान की मर्जी ऐसी हो जाए, इच्छा हो जाए, राजयोग आपके भाग्य में लिखा हो और गांव राम ये भी करे कि भाई ठीक है आपके पास समाज में एक बार सरपंच जानी चाहिए, तो सरपंच बनने के बाद में आप सबसे पहले विकास के कार्यों में क्या क्या काम करना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि गाँव में सब एकता रहेगी जी। अच्छा, आगे आने वाले जो भी आप जैसे जो मान लीजिए विकास कार्य बने मिलाएंगे ग्रांट, उसमें गाँव का मैं काम करवाऊँगा तन मन धन से, और आगे जो भी होगा सबके लिए करूँगा, सबके लिए करेंगे। तो सर, आपके गांव में हेल्थ सेंटर नहीं है, उस पर क्या करेंगे आप? हेल्थ नहीं भी रहेगा तो जो उसको जाएंगे या बनवाएंगे जी। आपके गांव में स्टेडियम भी नहीं है? स्टेडियम भी होगा, स्टेडियम भी करवाएंगे जी। एक आपके बड़े बुजुर्गों के लिए जो कोई बैठने के स्थल है, आराम कहा है या कोई पार्क वगैरह, वो भी नहीं है अब जी। हम वैसे तो हमारे गांव में है ये जो अपनी चौपाल है, लेकिन इसमें जी थोड़ा सा काम रह रहा है जी, लेकिन हमें ये कह रहे हैं कि जो अपने ये स्कूल के पास वो है अपना स्कूल ये जोड़, तो उसके हम कह रहे हैं कि यहाँ अपने एक बनवा देते हैं आने जाने के लिए, और यहाँ के अपने उठा बैठने के लिए आने जाने के लिए नहीं करवा सकते। तो गाँव में पानी की निकासी के लिए कोई सीवरेज लाइन का भी काम करेंगे आप? अभी तो देखो जी कर रखे हैं, लेकिन उसके लिए अगर आगे से कोई ग्रांट मिलेंगे तो जी करवाएंगे। तो सर, इसमें गांव की जैसे आपने सलाह ली हो या कुछ दो चार फ्रेंड सर्कल में आपने बात की, क्योंकि लगभग 950,000 के समथिंग आपकी वोटर्स है जी, तो कितने साथी हैं जो आपके साथ में है जी? रणी बिरादरी है जी, कम से कम अपने छोटी बिरादरी हमारी साथ भी जुड़ी हुई है जी, उनका सबका ही सहयोग है, इसीलिए मैं आगे कदम बढ़ा रहा हूँ। तो धन्यवाद नरेश भाई, आप हमारे साथ में जुड़े, बीपी न्यूज चैनल के आपने जो ये इंटरव्यू दिया है, आपको 9 देशों में वॉच आउट कर रहे हैं लोगभग, तो परमात्मा ऐसा कल्याण करे आपका कि आपकी मन की इच्छा पूरी हो और आप सच्चे दिल से एक सेवा करना चाहते हो, समाज की सेवा करना चाहते हो, और भगवान करे आप अपने मकसद में कामयाब हो। बीपी न्यूज पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते